तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे, अगर कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया है और ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है या ज्वाइनिंग के लिए आपको नहीं बुलाया जा रहा है तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब भी आप कहीं इंटरव्यू देते हो, इंटरव्यू में जब आपका सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन होने के बाद आपको ऑफर लेटर रिलीज किया जाता है। ऑफर लेटर रिलीज करने के बाद फिर आपका नोटिस पीरियड अगर होता है, जैसे कि आप अगर एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो, कहीं पे वर्किंग हो, तो क्या होता है कि वो ऑफर लेटर रिलीज कर देते हैं, आप इस पीरियड सर्व कर रहे होते हो, उसके बाद वो आपको बोलते हैं कि आप इस डेट को ज्वाइन करो। अगर आप फ्रेशर हो तो हो सकता है आपको इमीडिएट बोल देते हैं कि ठीक है, आप 2 दिन, 4 दिन में, 5 दिन में, 10 दिन में आप ज्वाइन कर लो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऑफर लेटर रिलीज कर देते हैं और उसके बाद में क्या होता है कि आपकी ज्वाइनिंग रोक देते हैं। अब उस केस में क्या होता है, दो कंडीशन बनती हैं। अब दो कंडीशन में देखो दोस्तों क्या होता है, इसमें पहला होता है कि आपको ऑफर लेटर रिलीज कर दिया, ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रहे हैं, उसमें होता है कि हो सकता है उस कंपनी में कुछ टाइम के लिए क्लोजिंग हो गई हो, जैसे कि ऑफर लेटर देने के बाद वो आपको ज्वाइनिंग के लिए नहीं बुला रहे हैं, तो मतलब कुछ टाइम के लिए उन्होंने न्यू ज्वाइनिंग रोक दी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपकी जॉब चली जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप एचआर के टच में रहो, उनसे बात करो कि ज्वाइनिंग क्यों रुकी होती है, क्योंकि कई बार होता है कि आपका 1 महीने का नोटिस पीरियड है, हो सकता है वो सोचते हैं कि नहीं, बंदे को भी 15 दिन और होल्ड करते हैं, उसके बाद हम ज्वाइनिंग कराते हैं, या कोई बड़ा बैच उनके पास आ रहा होता है, 20, 50, 100 लोगों का या 10 लोगों का एक साथ ज्वाइन करने का, तो सोचते हैं कि सबकी जो ज्वाइनिंग है वो एक साथ कराएं, ताकि जो कंपनी में इंडक्शन हो वहाँ पे एक एक करके इंडक्शन उनको ना कराना पड़े, पूरा बल्क में वो इंडक्शन करा दें। तो ऐसी ही होती है जिसमें आपको जॉब मिल जाती है, 99% आपको जॉब मिल जाती है अगर नोटिस पीरियड के बाद जा रहा है, अगर आप वेट कर रहे हो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने हो गए, तो इतना आप कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको एचआर टीम से बात करनी चाहिए और वहाँ से क्लैरिटी लेनी चाहिए कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। एंड दोस्तों क्या होती है, सेकेंड कंडीशन क्या बनती है, अभी हम लोग क्या करते हैं, किसी एक कंपनी से ऑफर लेटर ले लिया, फॉर सपोज अगर आप 4 लाख पे वर्किंग हो, एक कंपनी से आपने ऑफर लेटर ले लिया, वहाँ पे 6 लाख आपको मिला, फिर और आप नोटिस पीरियड सर्व करने लगे या आपने रिजिग्नेशन डाल के उस कंपनी को वहाँ पे बता दिया कि हम रिजाइन कर रहे हैं इस जॉब से। इसके बाद क्या होता है कि आप वही ऑफर लेटर दिखा के किसी दूसरी कंपनी में आप इंटरव्यू देने लगते हो, या आप वहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया, 4 से 6 लाख पे गए, 6 से 8 लाख पे गए, तो इस तरीके से लोग इंटरव्यू वहाँ पे देते रहते हैं। अभी देखो प्रॉब्लम होती क्या है कि जैसा हम लोग करते हैं, 4 लाख का 6 किया, 6 का 8 लाख किया, 8 का 10 किया, तो उसी तरीके से क्या होता है कि सपोज कंपनी का बजट है 6 लाख का और आपने एक्सपेक्टेड सैलरी वहाँ पे रख दी 8 लाख, इतने से नीचे मैं नहीं आ पाऊँगा और कंपनी को बंदे की रिक्वायरमेंट है, तो क्या करेंगे, आपको 8 लाख के पैकेज पे हायर कर लेंगे और इसके बाद में अगर इन बिटवीन उनको कोई 4, 5, 6 लाख तक का अगर बंदा अच्छा मिला तो उसको फिर वो हायर करके वहाँ पे जॉब दे देती हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत 1% केस में होता है, कुछ कंपनी है जो ऐसा करती हैं, एमएनसी ब्रांड तो नहीं करते हैं ये तो डेफिनेटली सी बात है, लेकिन 1% कंपनी जैसा कर देती हैं, क्योंकि वो 8 लाख उनका बजट नहीं था, आपको हायर कर लिया, उनको बंदा नहीं मिला था, उनको 6 लाख का बंदा मिल गया और उनके पास बैकअप में आप थे, इस वजह से वो और ढूंढते रहे। तो इस केस में और क्या होता है दोस्तों कि वो 1% केस में करते हैं, और इवन 0.1% केस में वो ऐसा करते हैं ना, क्योंकि आपके पास ऑफर लेटर है, आप चाहो तो कंपनी पे लीगल केस भी कर सकते हो, तो इस वजह से वो करते नहीं, कहीं 1% केस में करते हैं। बाकी अगर फिर भी आपका ज्वाइनिंग रुका हुआ है होल्डर, तो एचआर टीम से कनेक्ट करो, वहाँ पे जो मेल्स आईडी होती हैं, जो इन्फो वाली, उन मेल आईडी पे आप मेल करो और उनसे अपना स्टेटस पूछो कि क्यों एक्चुअली में वो रुका हुआ है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक से ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक से एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।